नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय किस दिशा में सिर करके सोना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है। दोस्तों, सोना या नींद लेना हमारे दैनिक जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि शरीर को आराम देने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोना या नींद लेना हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छा खाना शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही सोना अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। यदि हमारी नींद पूरी नहीं होती तो यह हमारे दिल, दिमाग और शरीर पर बुरा असर डालती है और आलस को बढ़ाती है और कई बीमारियों को जन्म देती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बनता और बिगड़ता रहता है। इसलिए सोने के संबंध में की गई कोई भी गलती स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे प्राणों और वास्तुशास्त्र में हर जरूरी काम के लिए कुछ खास बातें बताई गई हैं। इन बातों का पालन करने से हमारी सेहत के साथ साथ घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस तरह सोना भी हमारे जीवन में एक जरूरी काम है। सोने के बारे में की गई कोई भी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि सोने का सही तरीका क्या होना चाहिए और सोते समय किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय किस दिशा में सिर करके सोना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा की तरफ सिर और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर की दिशा सोने के लिए मृत्यु की दिशा मानी जाती है। यह दिशा दूसरे और कामों के लिए बहुत अच्छी और शुभ होती है, जैसे पढ़ना लिखना और अभ्यास करना आदि। लेकिन इस दिशा में सिर रख के सोने के लिए यह दिशा बिल्कुल अशुभ मानी जाती है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा की तरफ सिर करके और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके ना सोने का मुख्य कारण यह है कि दक्षिण दिशा में जमलोक स्थित है, जिसके स्वामी मृत्यु के देवता जमराज हैं, जो पृथ्वी के सभी प्राणियों को मृत्यु देने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप सोते समय अपने पांव दक्षिण दिशा की तरफ करके सोते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जमलोक की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इस दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाता है और इसी कारण इस दिशा की तरफ सिर करके सोना भी बिल्कुल मना किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति अपनी संसार की यात्रा पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस मृतक शरीर के पैर दक्षिण दिशा की तरफ रखे जाते हैं और सिर उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता है, ताकि उसकी आत्मा अपनी मंजिल जमलोक की ओर आसानी से जा सके, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस कारण भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना अशुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के अनुसार भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोना निषेध माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक है, जिसमें चुंबकीय शक्ति होती है। पृथ्वी के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे मैग्नेट फील्ड भी कहा जाता है। यह मैग्नेट फील्ड अदृश्य होता है और इसमें एक चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है, जो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ चलती है। दोस्तों, जब हम दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो हम पृथ्वी के मैग्नेट फील्ड से जुड़ जाते हैं, तो यह चुंबकीय तारा हमारे सिर की तरफ से शरीर में प्रवेश करती है और पैरों की तरफ से बाहर निकल जाती है। इस दिशा में सर करके सोने से चुंबकीय तारा के प्रवेश में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, जिससे सोने वाले को गहरी नींद आती है और उसका खाया हुआ भोजन भी आसानी से पच जाता है। ऐसे में जब हम सुबह जागते हैं तो हमें ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और आयु लंबी होती है। दोस्तों, इस दिशा के उल्टा अगर हम उत्तर दिशा की तरफ सर करके और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह चुंबकीय तारा हमारे शरीर में पैरों की तरफ से प्रवेश करेगी और सिर की तरफ से बाहर निकलेगी। इस तरह सोने से चुंबकीय तारा हमारे शरीर पर उल्ट दिशा की तरफ से काम करेगी, जिससे स्वास्थ्य को बहुत हानि होगी। इस विपरीत चुंबकीय तारा के कारण हमारे मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है, जिसके कारण हमें अच्छी नींद नहीं आएगी
और सुबह उठते समय हमारा मन भी बारी बारी रहेगा और हमें अजीब सी थकावट महसूस होगी और मन भी हमेशा बेचैन रहेगा। इसलिए उत्तर दिशा की तरफ सिर करके और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोना निषेध माना जाता है। दोस्तों, यदि इस दिशा में बार बार सोया जाए तो कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे स्त्रियों द्वारा गर्भधारण ना कर पाना, ब्रेन हैमरेज, उच्च रक्तचाप और कई प्रकार की मानसिक बीमारियाँ आदि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है और आयु में कमी आती है। इसके साथ ही इस दिशा में सर रख के सोने से बुरे बुरे सपने आते हैं, मन में बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, जिससे काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए दोस्तों, उत्तर दिशा की तरफ सिर करके और दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार किसी भी घर या भवन में दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके और उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोना सबसे उत्तम और लाभदायक होता है, क्योंकि जब हम दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो उठते समय हमारा मुख उत्तर दिशा की तरफ होता है। उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कबीर जी हैं। जब हम दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके और उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो कबीर जी की सीधी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होता है, इसलिए इस दिशा में ज़्यादा खिड़कियां और दरवाजे लगाने से मना किया जाता है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर या भवन से बाहर ना निकल जाए। इस दिशा में सिर करके सोने से बुरे बुरे सपने नहीं आते, मन को शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है और दिमाग भी शांत रहता है। इसके अलावा इस दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, धनवान और यश प्राप्त करने वाला होता है, उसकी आयु लंबी होती है और स्वस्थ भी ठीक रहता है। इसलिए किसी भी घर या भवन में दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके और उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोना बहुत उत्तम और लाभदायक होता है। वास्तु के अनुसार घर या भवन की पश्चिम दिशा में भी सिर करके सोना लाभदायक होता है, क्योंकि जब हम पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो उठते समय हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है और इस दिशा से ही सूर्य निकलता है। इस दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं, जो ज्ञान और उन्नति के कारक हैं। इस दिशा से ही सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो हमें उत्साहित और शांत रहने में मदद करती है और मानसिक तनाव को कम करती है। इस दिशा की तरफ सिर करके सोने और काम करने से रक्त संचार भी सही रहता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही इस दिशा की तरफ मुख करके सोने से ध्यान, एकाग्रता और आध्यात्मिकता में वृद्धि होती है। इसलिए स्कूल जाने वाले छात्रों या ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए, ताकि उन्हें पूर्व दिशा की ऊर्जा का पूर्ण लाभ मिल सके और वह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोना भी लाभदायक होता है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको एक और जानकारी देते हैं कि आजकल वास्तुशास्त्र का चलन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण आजकल बहुत सारे विद्वान और वास्तुशास्त्री इस काम को करते हैं, जो सभी अपनी जानकारी के आधार पर अपने अपने तर्क देते हैं। कुछ विद्वानों और वास्तुशास्त्रियों के अनुसार पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना अच्छा और शुभ होता है। उनके अनुसार पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सोना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ पैर करके सोने से सूर्य भगवान का अपमान होता है, इसलिए वह पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोने की सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम पूर्व दिशा की तरफ सिर और पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो इससे भी सूर्य भगवान का अपमान होता है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आए और हम उसका स्वागत करने की बजाय उसकी तरफ उल्टा मुख करके खड़े हो जाएं, तो यह उस मेहमान का अपमान होगा। इसी तरह जब हम पूर्व दिशा की तरफ सिर करके और पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो हम सूर्य की तरफ उल्टा मुख करके सोते हैं, तो यह भी सूर्य भगवान का अपमान होता है। इसके साथ ही हमारे प्राणों और शास्त्रों के अनुसार ज़्यादातर काम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करने अच्छे और शुभ माने जाते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, भूमि पूजन, जग करना और पूजा पाठ आदि। दोस्तों, अगर यह काम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करने अच्छे और शुभ माने जाते हैं तो फिर पश्चिम दिशा की तरफ सिर और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सोना भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके और पूर्व दिशा की तरफ मुख रखने से सूर्य भगवान का अपमान होता है, तो आप सूर्य निकलने से पहले उठ सकते हैं, जिससे सूर्य भगवान का अपमान नहीं होगा। लेकिन इस एक कारण की वजह से आप पूर्व दिशा की खूबियों को अनदेखा नहीं कर सकते, बल्कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पूर्व दिशा की तरफ सिर करके और पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो उठते समय हमारा मुख पश्चिम दिशा की तरफ होगा। पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव हैं, जो एक असुरी देवता हैं, जिन्हें अशुभ मार्ग और दुख का कारण माना जाता है। इसलिए पूर्व दिशा की तरफ सिर करके और पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोना शुभ नहीं माना जाता। इस दिशा में पैर करके सोने से सोने वाला व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है, उसके मन में बेचैनी रहती है, उसे नींद कम आती है, जिसके कारण उसकी काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी घर जप हवन में पूर्व दिशा की तरफ सिर करके और पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।